दोस्तों सैमसंग ने अपने दो नए फोन लॉन्च कर दिए हैं इंडिया में, जिसका नाम है A5 और A7 2017। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं A5 2017 की, इनकी स्पेसिफिकेशन की, और मैं अपने ओपिनियन दूंगा लास्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टेक्नोलॉजी एपिसोड में। दोस्तों सैमसंग A5 काफी बजट ओरिएंटेड फोन कह सकते हैं इसको। 28,990 का प्राइस है इसका, ऑलमोस्ट 29,000 रुपीज। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है बात करते हैं आज। डिजाइन की बात करें तो 3D बैक पैनल से आता है, फ्रंट में भी ग्लास है, बैक में भी ग्लास है। फ्रंट में 2.5D, बैक में 3D ग्लास, मेटल फ्रेम का डिजाइन है, साथ में मेटल फ्रेम है। प्रीमियम, काफी प्रीमियम डिजाइन है एज कम्पेयर, सेम लगभग S7 में देखा होगा आपने, वैसा ही डिजाइन है। लेकिन ये बजट फोन है एक, इसके जो डिस्प्ले है वो 5.2 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 2.5D विद कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 4 की प्रोटेक्शन के साथ, काफी अच्छी बात है ये भी। प्लस एक्सिनोस का 7880 का प्रोसेसर है, जो कि ऑक्टा कोर जैसा है, क्लॉक किया है 1.9 GHz पर। ये एक ऑलमोस्ट 625 के जैसा प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 625 आपने देखा होगा, वैसा ही प्रोसेसर है। ये फोन IP68 प्रोटेक्शन के आता है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, मतलब आप 30 मिनट्स तक इसको पानी में रखकर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस इसके जो कैमराज है वो 16 MP का फ्रंट प्लस 16 MP का रियर, और दोनों ही f1.9 अपर्चर के आते हैं, वो भी काफी अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक मिसिंग है OIS, बाकी सब आपको मिल जाएगा, PDAF, जियोटैगिंग, बाकी सब मिलने वाले हैं इसमें। और ड्यूअल सिम कनेक्टिविटी के आते हैं, प्लस 3000 mAh की बैटरी है, 3GB रैम है, 32GB इंटरनल है, एक्सपेंड कर सकते हैं आप 256GB तक, अलग से एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी है, ड्यूअल सिम स्लोट्स भी हैं अलग से। काफी अच्छी डिजाइन है, 3G 4G 2G कनेक्टिविटी फीचर सभी मिल जाएंगे आपको, NFC भी है, टाइप सी भी है, और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है ये फोन। बाकी स्पेसिफिकेशन तो यही थी, अब करते हैं मेरी ओपिनियन की बात। 29,000 रुपीज में ये एक बजट ओरिएंटेड सैमसंग का फोन विद फ्लैगशिप डिजाइन, सैमसंग के हिसाब से देखें तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से देखें तो ओवर प्राइस है थोड़ा सा। 24-25 के आसपास होता तो भी मैटर करता, क्योंकि इस प्राइस की रेंज में आपको OnePlus 3 और OnePlus 3T मिल जाएंगे। हाँ, ब्रांड मैटर नहीं करता, ब्रांड अगर मैटर करता है तो सैमसंग अच्छा है, क्योंकि ब्रांड वाइज देखें तो OnePlus इतना अच्छा ब्रांड नहीं है एज कंपेरिजन टू सैमसंग, क्योंकि सैमसंग इंडिया में काफी फेमस है सर्विसेज को लेकर और अपने फोन्स को, और फ्लैगशिप डिजाइन है, स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। आपको इससे अच्छी चीजें OnePlus 3T में मिल जाएंगी, जो कि 30,000 के अराउंड मिलता है, उसकी स्पेसिफिकेशन काफी मच बेटर है, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर है, क्योंकि फार फार बेटर है एक्सिनोस का 7880 से, और उसमें OIS भी है, सेम कैमरा स्लॉटेड यही है, F2.0 पर आते हैं, प्लस OIS भी है उसमें, और 6GB रैम और 64GB रैम इंटरनल का आपको उसमें ऑप्शंस मिलते हैं। सो मेरे हिसाब से तो OnePlus 3T फार फार बेटर है एज कंपेरिजन टू सैमसंग A5 2017। बट आप अगर सैमसंग लवर हैं तो आप जाकर ले सकते हैं, बट वेट कर लीजिएगा प्राइस ड्रॉप का, क्योंकि काफी हाई प्राइस रखा है इन्होंने, 29,000, और आपको ये फोन मिल जाएगा 15th of March से। आप जाकर अभी बुक कर सकते हैं, प्री बुक, शिपिंग स्टार्ट होगी 15th of March से। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।